हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर यूट्यूब चैनल। आज आम जो कंबाइंड ऑडिटर 2019 एग्जाम होता ओके तार फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट जहाँ भी मुझे जी पा पाखे शुणिक एनालिसिस करी तो सीटू मुझे आपण को खाली जस्ट कह कि कौन पढ़ाक हम कालीपी ओके तो एक्चुअली कौन होना आमर जो पढ़ु रिजनिंग पोर्सन मैथ पोर्सन मैथ रिजनिंग पोर्सनटा आम तीस मार्क पढ़ू जोटा कि बहुत इजी पढ़ू टिके टाइम दब है कारण आम जेके पर्सन जेहतु मॉडरेट लेवल पढ़ू तो तुम मैथ रिजनिंग को टिके टाइम दब कारण लेंदी क्वेश्चन भी अच्छी रिजनिंग बट टिके टाइम दे तुम मिनिमम कौन 25+25 50 ना अति कम जन 40 क्वेश्चन करेक्ट कर मैथ और रिजनिंग रु जन 40 क्वेश्चन ना 45 क्वेश्चन अति कम कौन कर ठीक करके आम सब आकुरेसी बहुत मैटर कै तुम जमा भी भावन कि 70-80 कटअप एत अधिक जी सेम कि ना बस तुम आकुरेसी ही मैटर कर आधे मिनिमम 45 तुम कौन पूरा परफेक्ट ठीक कर 45-50 ओके मैथ रिजनिंग जोटा कि बहुत इजी कारण मैथ्रा बहुत इजी पड़ू तुम मैथ्रु तुम जब जन चाह 26-28 मार्क रखिपार आराम से मैंने नॉर्मल पिला भी जब किसी कैलकुलेशन कर भूल पाल हुए किसी भूल जाए तो 25+ रिजनिंग भी सही ट्राए कले भी 25 रही तो मिनिमम 50 मार्क यू होगा ओके आउ रहा जिके पोर्सन जिके पोर्सन में जो क्वेश्चन गुड़ा आसूचना कौन आस करंट अफेयर्स को सेसन आम करंट अफेयर्स 3-4 पकईदे को सेसन जो पकोनी तो आपने तो करंट जदि करंट अफेयर्स पढ़ी ना तो ये पढ़ाक टाइम नहीं तो टोटल करंट अफेयर प्रति ध्यान दिंतुन आपण मैंने क्या ध्यान देवे ना आम रहा जो जिके पोर्सन आपण मैंने ईटा पढ़ी दिखाँ कौट आम हिस्ट्रीटा पढ़ी जी है हिस्ट्रीटा कौन कौन पढ़े एवं तो पढ़ाक टाइम ना ओनली सिलेक्टिव पढ़े हिस्ट्री मुझे कौन कौन पढ़ाक हम हिस्ट्री मैक्सीम क्वेश्चन आसोनोमी गोटे सेक्शन पकईदेला टे बेसी क्वेश्चन बट सेमती ना कि सब सेक्शन पढ़ो बट आपने ध्यान देते बेस हिस्ट्री पर ध्यान देते हिस्ट्री रही है आम कौन मेनली मिडिवल मॉडर्न एंशिएंट रू पकईला एंशिएंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन ओके आम आज जस्ट ब्रीफली डिस्कशन भी करदे टे देन रही है पॉलिटी ओके पॉलिटी क्वेश्चन पढ़ू आम कौन फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज तरह जहाँ भी सब आर्टिकल अच्छी से किसी आर्टिकल पढ़ू ओके आ करंट अफेयर्स जब पढ़े तो नॉर्मल मोर वीडियो गुटा सब पढ़ी कौन कह लाइक आम थीम पढ़ू है कौन मैं कौ डे तार थीमटा पढ़ू ओके बहुत शॉर्ट वीडियो मुझे बन कहीं आप देखीदे जस्ट स्पीड्रे देखीदे खाली जस्ट आपने देखी थे कान बाजि भी ऑप्शन देखिए ऑटोमेटिक मन पड़ जाए ओके आउ डे थीम पड़ू गोटे आ गए सबमिट पड़ू सबमिट पड़ू है सबमिटा मैंने किए तक हेड करते मैंने कार चेयरमैनशिप सबमिटा होता कौटी होता लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टा कौटी होता आम साइंस रो जोटा मीटिंगटा कौटी होता ओके तो मोर सब जगह भिडियो दुईटा भिडियो अच्छे कौटा थीम उपरे आउ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उपरे आउ गोटा कौन पड़ी ना हिस्ट्री कौन पड़ी आम वार उपरे क्वेश्चन पड़ी वार उपरे ओके अच्छा वार भी मुझे गोटे भिडियो बनाई है मो भिडा बहुत सर्ट सर्ट भिडियो अच्छे आपने चाहिए भी स्पीड्रे 1.25 स्पीड ना 1.5 स्पीड देखिपारे आउ आराम से कवर हो बहुत ब्रीफली जितकी मन रहा बेसीस किसी डिटेल्स दिए तादेह बस जितकी एग्जाम आसो सेमती डिटेल्स आपने जस्ट देखी दिखाँ जहाँ भी भिडियो मोर अच्छी ओके आउ रहा जो आर्टिकल फाटिकल जहाँ भी अच्छी आउ हाँ आउ जो पढ़ू आम गोटे जियोग्राफी पढ़ू तुम्हें सब मन रख जो आम ओडिशा जो ऑफिशियल वेबसाइट odisha.gov.in यही सैटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ये देखिए टोपोग्राफी गोटे अच्छी ओके टोपोग्राफी अच्छी आम ओडिशा हिस्ट्री अच्छी एवं तो सब पढ़ाक टाइम मिले जो मैंने आगे पढ़ी थो पढ़ी थो बट ये जो ऑप्शन देखो रिवर सिस्टम भी थी ओके से रिवर सिस्टम पूरा देखी देखिए जातु मैंने बहुत मानते गोटे पेज रही अच्छी आम महानदी पर आरंभ कर ऋषिकुल्या सब गुड़ाक कौड़ ऑरिजिन होती कौन किए मैंने जो आज पढ़ा महानदीटा गर्ज कौटी फर्म करके गर्ज कौटी फर्म कर आमर ये ना कौन ऋषिकुल्यार आम कौन ना डेल्टा फर्म करूनी ऋषिकुल्या आउ समस्ते आमर कौ बाहर मैंने हिल्रु बाहरी बट जड़े आम प्लेन रू कौ रिवरटा बाहरी ओके तो ये टाइप्र बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें सही हिंप कौटू मैंने भलसे मन कर नर्माल ओडार जो आम अफिशियाल वेबसाइट odisha.gov.in आई थिंक हाँ odisha.gov.in यहाँ गला देखो एबाउट ओडिशा मारे एबाउट ओडिशा मारापर आम आसीज सब रिवर सिस्टम टोपोग्राफी हिस्ट्री अफ ओडिशा तो जब टाइम मिले सब जगह तो पढ़ाक मतलब लगुच के पसबल हेनी जो मैंने कल एक्जाम अच्छी बट तेरे रिवर सिस्टम निहाती पढ़ ओके निहाँ पढ़ दबे बस
बस क्वेश्चन एगुड़ा ही एमती ही आसला क्वेश्चन तो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो डिस्कशन कले सहित पड़ोन आ बस बस रिलेटेड क्वेश्चन आम किसी डिस्कसन करदे ओके आज जो मैथ पे कही रखू जाकि मैथ आ रिजनिंग क्या कही रखुचे देन आम जिकर किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे का ओके आम जो मैथ्रे आपरेजा देखी देखिए भलसे जी आवरेज आवरेज कौ टाइप क्वेश्चन पड़ा ना देख सपोज टोटाल अच्छी थर्टिनटा अच्छी मैं थर्टिनटा लोक अच्छा से दे थो फास्ट सेभेन आ लास्ट सेभेन रण दे थो आवरेज दे थो ओके पचार मिडिल जी रे मैं एट नंबर जी ओके सरी हाँ सेभेन नंबरटा जे मझे रही है तार तार भैल्यूटा के टाइप क्वेश्चन पड़ी तुम कौन कर डायरेक्ट टोटल मल्टीप्लाई करमी न करके आर जहाँ भी फास्ट आवरेज दे थो सेकंड लास्ट जो आवरेज देखो दुटा को आड करके डिवाइड टू करदे मिडिल नंबरटा बाहर ओके ये टाइप क्वेश्चन पड़ी आउ रही आवरेज क्वेश्चन पड़ी प्रॉफिट एंड अच्छा आवरेज दुटा कि तीन टाइम पड़ो क्वेश्चन आउ टाइम एंड वर्क पड़ो ओके टाइम एंड वर्क मन रखो गोटे ही फर्मुला पाखापाखी 90% क्वेश्चन हो कौन ना आम जो एमडीएच एमडीएच फर्मुला एमडीएच मसला से टाइप मन रखिपर लाइक आम एम वन डी वन एच वन डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाय डब्ल्यू टू ओके एम फोर है कौन मैन डी फोर है डे एच फोर है आवर डब्ल्यू फोर है वर्क केत वर्क डन कले यहाँ मन रख यहाँ ही अप्लाई कर जो भी तुम डी नी रही ओनली रम वन एच वन जब एच भी नली रही एम वन बाय डब्ल्यू वन एम टू बाय डब्ल्यू टू ओके तो सही टाइप रही जोटा नाटा बास ओमिट करदेव और जहाँ रही है से जो डब्ल्यू नथ डब्ल्यू काटिकले कौन एम वन डी वन एच वन इक्वाल टू एम टू डी टू एच टू ये टाइप हम बुझीपाल तो आउटर पड़ी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट तार गोटे कौन पड़े ना टू इयर डिफरेन्स पड़ा आउट है थ्री इयर डिफरेन्स गोटे क्वेश्चन पड़ो ओके जदि आसो ये टाइप पड़ो जो थ्री इयर और टू इयर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे डिफरेन्स के तुम टू इयर जानते हो कौन डिफरेन्स डी इक्वाल टू डायरेक्ट फर्मुला बेसिंग कर अलग तो बहुत इजी फर्मुला अच्छी बट ए जो मैंने फर्मुला ही डायरेक्ट करदे किसी भाविया दरकार नहीं तो हम डी हल टू आर बै आर मैंने रेट आर बै हंड्रेड स्क्वायर ओके ये कौन है टू इयर पर मन रहा आ थ्री इयर पर कौन हम ना जहाँ अच्छे सेम रही थ्री इयर पर मन रख आर सरी 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 यहाँ आर नुह यहाँ हूँ पी प्रिंसिपल ओके ये हूँ प्रिंसिपल मन रख प्रिंसिपल है यहाँ सीमती है प्रिंसिपल पी इंटु आर बै हंड्रेड स्क्वायर होल इंटु आर प्लस थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय हंड्रेड मन रहा तो मैंने कौन दे थो क्वेश्चन कौन दे थो आम रेट दे थो प्रिंसिपल दे थो ओके आर ए आर भी सेम दीटा है जब टू इयर पर पचार ए फर्मुला अप्लाई कर कौन डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी सेम सिंपल इंटरेस्ट मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट फर्मुला कौन हम जहाँ भी रहा टू इयरटा जहाँ रहा है सेम रही है बस गोटे आड हो कौन आर प्लस थ्री हंड्रेड बाय हंड्रेड बस ये फर्मुला कर ओके देन रहा आ गए कौन आम ट्रेन रु पड़े टाइम एंड डिस्टेंस जोटा आम ट्रेन प्रोब्लेम पड़ी ओके ट्रेनटा बहुत इजी थी जो मैंने प्राक्टिस कर किसी भी नहीं आधे आउ जेहतु ट्रेन क्वेश्चन आज आसाला तो मतलब लगुच कि काली आम कौन पड़ आम कौन जो अपडाउन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो रहा से गुटा पड़ो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जोटा यू प्लस भी यू माइनस भी यू प्लस भी है कौन आम अपस्ट्रीम यहाँ आम डाउनस्ट्रीम आउ यूटा है कौन स्पीड अफ बोट इन स्टील व्टर भिटा है स्पीड अफ रिभर ओके स्ट्रीम रीड तो यहाँ गोटे देखे जीव टे बस मैथ्र बहुत इजी ही आस पड़ो आ रिजनिंग मन रख सीटिंग आरेजमेंट पड़ी गोटे पजल ओके सीटिंग आरेजमेंट पड़ी आउ कौन पड़ी आमर कोडिंग डिकोडिंग गोटे पड़ी आ नंबर सिस्टम दुईटा खंडे क्वेश्चन तुम देखा पाइब नंबर मैंने लाइक आम कौन कह तो कौन कहते मैं मन पड़नी लाइक टू फोर सिक्स एट ये हम ओके ये टाइप दुईटा खंडे क्वेश्चन पड़ो तर गोटे बहुत इजी थी गोटे टी डिफिकल्ट थी तो बट तुम टाइम वेस्ट करनी आ टाइम देखिए करिवो ओके आउटअप काउंटिंग फिगर निहाते गोटे क्वेश्चन पड़ो तो ताको देखे देखिए जाइए केमती कौन है बस आपको सर आम डिस्कसन करदे आम कौन आम हिस्ट्री कौन आई हिस्ट्री किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे आउ पॉलिटी किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे आउ इकोनोमिक किसी डिस्कसन करदे ओके छाड़ी जो मैंने आगुरी भिडियो देखी आम कंबाइंड ऑडिटर जोटा कि बहुत आगुरी जोटा होता है बहुत पुराना 2016 2015 गोटा मुझे डिस्कसन करूँ ओनली जिके चार्टा कि पाँचटा पार्ट आनी बहुत टी पचुक थोड़ा भिडियोटा खोजे पाइव से देख
मो ओनली पाँचटा लेखा जी के डिस्कस कर अंडर बहुत किसी कही है तो जो जो मैंने से मैंने जो गुड़ाक जो मैंने देखी थे से गुड़ाक बहुत हेल्पफुल कारण बहुत किसी डिस्कसन करते देखा टाइम ना बट तुम्हें कौन देखिए समिटा देखे जा मो जो अच्छी प्ले लिस्ट में समिट आउ थीमटा अच्छी आर अच्छी अच्छा अच्छा आ गए मुझे आर आई पूर्व जस्ट गोटे भिडियो बनई थी से कौन कही ना आमर लाइक आमर जो रीड सब कही रीट मैंने पॉलिटी रीट्र मैंने हॉबियस कर्पस मांडामस से गुड़ा कही थे देखीदेव आए आम किसी क्वेश्चन डिस्कसन करदे ओके बस कौन क्वेश्चन आसी था ताप किसी ओरीड हेनी हुए कल जो एक्जाम अच्छे आराम से एक्जाम दिव जाए ओके कारण सेम क्वेश्चन तो रिपीट हेनी बस से रिलेटेड आसो आम फास्ट कौन करवा एनसीएंट्रु स्टार्ट करवा ओके बस ब्रीफली खाली जस्ट टिके एनसीएंट रे कौन थी जो गोटे रहा हरप्पा गोटे रहा मोहेंजोदार ओके हरप्पा मोहेंजोदार रे और हरप्पाटा को किए आम डिस्कवर करते ना कि जहाँ कौज खाली शुणी दिए भिडटा को आपने चाहिए भी टे स्पीड्रे देखीदेव स्पीड्रे दयराम साहाणी कौन करते आमर हरप्पा को कौन करते डिस्कवर कर फास्ट डिस्कवर सेमती आम मोहेंजोदार को किए करते मोहेंजोदार को मोहेंजोदार किए डिस्कवर करते आर डी बनर्जी ओके बस ये दुटा क्वेश्चन मन रख आई थिंक जदि एग्जाम आसे तो किसी करके गोटे हरप्पा गोटे मोहेंजोदार हरप्पा को करते दयाराम साहाणी और मोहेंजोदार करते आर डी बनर्जी तो कालीपाई निहाती देखी दि है कि भिडटा को अच्छा आपको छाला आउ रहा आम देख जो कई इंपोर्टाट कौन कौन डिस्कवर होता तो मन रख पखापाखि सबूक बोध हुए आम मोहेंजोदार हम डिस्कवर होता जितने लाइक आमर कही दूसरी मोहेंजोदार कौन कौन डिस्कवर होता आम लाइक ग्रेट ग्रेट ग्रेनेरी ग्रेनेरी मैंने हूँ कि जो मैंने फसल फसल जो रखापी ओके आगे बहुत बड़ घर टाइम या ग्रेट ग्रेनेरी है गोटा पशुपति शिव सिल पशुपति शिव है जो मूर्तिटा सेटा कौट पाला मोहेंजोदार पाई आ ब्रोज स्टाच्यू अफ डैनसींग गाल भी कौट पाई मोहेंजोदार ही पाई ओके खाली जस्ट मन रखिद जो मैंने लिखुच लिख ना लिखे दरकार नहीं जस्ट खाली शुणी मन रखिद है तो मोहेंजोदार मैक्सीम जहाँ क्वेश्चन आसो मोहेंजोदार ही मैक्सीम जिन पाई बट खाली गोटे जिन मन रखिए जो हरप्पा पाई आम ग्रेवियार्ड ओके ग्रेवियार्ड मैंने जो सब हम सब पढ़ा जाए रखा जाए ग्रेवियार्ड है तो ये ग्रेवियार्ड टर्म जो तुम देखो सीटा हम ओनली हूँ कह हरप्पा ओके ना सब जगह है मैक्सीम है मोहेंजोदार ओके आ गोटे कथ मन जो मे भी पढ़ी न पारे लोथाल जो अच्छी आम राइस एविडेंस राइस धान चाषर एविडेन्स फास्ट टाइम कौट पाई लोथाल रु पाई ओके सरला बस मुझे अल्प अल्प कौच बस विशेष किसी मन रखा दरकार नहीं अच्छा है सुरकोद्रा अच्छी हर्स सिल पाई तो ये मन रखे बस एति ही मन रख बुझीपार डिस्कस कर दबा लाइक आम मिडेवाल कौन कौन थी तक मैंने बुद्धिजी फुजी सब देखीदेव तुम्हें कारण मुझे खाली कहीदेव बुद्धिस्ट काउनसिल जो होता गोटा फास्ट काउनसिल होता सेकेंड काउनसिल काउनसिल फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टोटल टोटल चार्टा काउनसिल होता तो फास्ट काउनसिल को आमर किए को राजा समय होता अजात शत्रु और सेकेंड काउनसिल होता आमर कालाशोक ओके काला अशोक कालाशोक थर्ड होता ओनली अशोक आ फोर्थ होता कनिष्क जी की मन रख दिए कौन एके फास्ट होता कौन आमर अजात शत्रु कालाशोक अशोक आला कनिष्क ओके चार्टा आम बुद्धिस्ट काउनसिल होता आउटी कौटी होता ना आम फास्ट होता आम राजगृह आर रे ओके सेकेंड होता आमर वैशाली थर्डटा होता आमर पाटलिपुत्र और फोर्थटा होता आमर काश्मीर आर भी पी पी ओके कौटी राजगृह भलसे मन रखिद राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र काश्मीर ओके मतलब लगे ये भितर पड़ो आ विशेष किसी आसबन जदि भी आसला ओके हाँ देन आम डिस्कसन करदे कौन बहुत मानते स्पीड डिस्कसन करदे खाली गोटे कथ मन जो आम आटाक करते किए आलेक्जेंडर आटाक करते ओके से समय आम किए आम मगध एम्पायर किए थे आम नंदवंशर राजदी चलता नंदवंश ओके अच्छा नंदवंशर प्रतिष्ठा किए आम महापद्मनंद महापद्मनंद खाली मन रख खाली जहाँ कौच मन रख है
ଆଉ ତାପରେ ତୁମ ମନେକର ଯେଉଁ ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ହେଉଛି ହରିଅଙ୍କ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିର ରାଜା କି ବିମ୍ବିସାର ଆଉ ହରିଅଙ୍କ ସରି ବିମ୍ବିସାର ଆଉ ହେଲେ ଆମର କି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା। ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ପୁଅ ହେଉଛି ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ମାରିକି ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନନ୍ଦ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ ଧନନନ୍ଦ ଧନନନ୍ଦ କ'ଣ ଯିଏ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଆଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବ ମୌରିୟନ୍ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଆମର ଧନନନ୍ଦକୁ ମାରିକି କି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କ'ଣ ହେବେ ମୌର୍ଯ୍ୟର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କ'ଣ ଗଠନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ଖାଲି ମନେ ରଖ ସର୍ଟରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ସର୍ଟ ରହୁଛି ଏ ବି ସି ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଜା। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ସି ମାନେ କ'ଣ ଏ ବି ସି ଓଲ୍ଟାରେ ହେଲା। ତେଣୁ ସିରେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା କି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ବିରେ ହେଇଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାର ନଟ୍ ବିମ୍ବିସାର ବିନ୍ଦୁସାର, ଏରେ ହେଇଥିଲା ଆମର କିଏ ଅଶୋକ, ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ହେଉଥିଲା ଆମର ଅଶୋକ। ଓକେ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଆମର ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ର ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା 261ରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁ ର କେତେ ନମ୍ବର ର ଏଡିକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମନେ ରଖ। ଆମର 13th ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପାଇବ 13th 13th ର ଏଡିକ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର୍ ବିଷୟରେ। ଓକେ ସେଇଟା ସବୁ ସରିଲା। ତାକୁ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଯିବ ତା ଆଗକୁ ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହ, ମୁଁ ଖାଲି ସବୁ ଯାକ ସାରିଦେଉଛି ହେଲା। ତା'ର ଆସିଲା ଗୁପ୍ତ, ଏଇଟା ମୋରି ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଗୁପ୍ତରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଆସିବେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍, ଦେନ୍ ଆସିବେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଦେନ୍ ଆସିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ। ଓକେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଯିଏ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ନବରତ୍ନ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ଇଏରେ ଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ହିଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ସମୟରେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାରଲି ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମର କିଏ ଆସିଥିଲେ ଫାଇଆନ୍ ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛୁ ଫାଇଆନ୍ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉ ନେପୋଲିଅନ୍। ଓକେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ୱାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାହାର ଗୁପ୍ତ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିର। ଓକେ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ସରିଲା, ଗୁପ୍ତ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ବି ସରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର କୁମାରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ। ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି କାରଣ କୁମାରଗୁପ୍ତ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଏ କରିଥିଲେ କୁମାରଗୁପ୍ତ, ଆଉ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆମେ କିଛି କରିଥିଲେ ମନେ କରିବା ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ ଏତିକି ହିଁ ମନେ ରଖ। ଓକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ାଖେଳେ ଶୁଣିଦିଅ କାଳିଦାସ ଶୂଦ୍ରକ ବିଶାଖାଦତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ଅମର ସିଂହା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଓକେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସବୁ ବରାହମିର, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ଭିତରୁ ଯିବା ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ମିଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଚ୍ଛା ମିଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା, ତ ମିଡ଼ିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଲେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ୱାର୍ ଯେଉଁ କରିଛି ୱାର୍ରେ ଦେଖିଦେବ ପୁରା ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ୱାର୍ କରିଛି ପୁରା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସିଲେ କଡ଼େ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କଲେ କେବେ 1025 ଇସ୍ୟୁରେ ହେଲା, 1025 ଇସ୍ୟୁରେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ କଲେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଆମର ମହମ୍ମଦ ଘୋରି 1191 ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇ, 1192 ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇ। ଓକେ କାହା ସହିତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରି ପ୍ଲସ୍ ଆମର କିଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ, ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର ଦାସ ବଂଶ ବା ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ବା ଇଲାବରୀ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଲେଭ୍, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଖିଲ୍ଜି, ତାପରେ ଆସିବ ତୁଗଲକ, ତାପରେ ଆସିବ ସୟଦ, ତାପରେ ଆସିବ ଲୋଦି ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ ଏଇଟା ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ଲୋଦି ପରେ ହିଁ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ତାପରେ ମଗଧ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖି ଆମର କ'ଣ ବାବର ଫାବର ସେସବୁ ଆସିବ। ଓକେ ତ ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ମନେ ରଖିବ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମନେ ରଖିଲେ, ଯେତିକି କହୁଛି ସ୍ଲେଭ୍ ଡିନାଷ୍ଟ୍ରିର ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ହେଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିବେ ଇଲ୍ତୁତୁମିସ, କିଏ ଆସିବେ ଇଲ୍ତୁତୁମିସ କିଏ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଇଲ୍ତୁତୁମିସ। ଆଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମ କୁତୁବ ମିନାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲାକ୍ ବକ୍ସ ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ ଲାକ୍ ବକ୍ସ ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ତୁମେ କଲାପରେ ବି ସେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଲାକ୍ ବକ୍ସ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠୁ ଆମର ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, କିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଭଲସେ ମନେ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହିଁ ପୋଲୋ ଖେଳିକି ମରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆସିଲେ ଇଲ୍ତୁତୁମିସ, ଇଲ୍ତୁତୁମିସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମର
जो एकता सिस्टम थिला हैला एकता रे तको से बाहर करथले बस एतिके मन के बस विशेष इंपोर्टेंट मन रखे दरकार नाही जो 40 सिस्टम मधे से तैयार करथले तांको इल्तु तुमिस परे तांको झियो के आसिल हमरो रजिया रजिया सुल्तान आसतले ओनली कोन फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया तांको परे आसतले हमरो के बलबन सबड पावरफुल होछ कोन हम स्लेव डायनेस्ट सबड पावरफुल जे सिले के हमरो बलबन बस एतिके मन रख बस विशेष भितर को जीवानी कारण एत डिफिकल्ट पड़ब कि ना ठीक ना तेन आसल खिलजी ओके तेन आसा खिलजी डिनेस्ट खिलजी डिनेस्ट कौन हम ना फास्ट कैस जलालुद्दीन खिलजी तक ये जी ज्वाई जी किए अलाउद्दीन खिलजी ओके बस ये दिज ही मोस्ट इंपोर्टाट जे आम पद्मावत लिखी कि आम समय अलाउद्दीन खिलजी ये कौन पद्मावती को बहुत करने मो भी देखी थी ओके तो सेटा ही होता बस आपको विशेष मन आदि तुगलक डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी प्रतिष्ठा किए फास्ट थे आमर गियासुद्दीन तुगलक ओके तुगलक रहा गियासुद्दीन तुगलक तर मोहम्मद बिन तुगलक ये मैंने सब थे राजा है कौन फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को कौन कह जाए मैंने दिल्ली टू मैं कौन देवगिरी को कौन कर कैपिटाल नहीं दिल्ली टू दौलताबाद है यहाँ ही मन रख कौन ट्रैवलर किए इबन बतुता टाइम आसते मन रख आम मोहम्मद बिन तुगलक टाइम किए आसते इबन बतुता फायन का टाइम आसते चंद्रगुप्त टू ये मन रख जहाँ कह जस्ट टिकेटा मन रख दि भिडियोटा को टे लंग हो पाए बट आई थिंक तुम हेल्पफुल हो पाए कल एग्जाम ओके जो मैंने टाइम थी जस्ट स्पीड्रे देखीदेव देन आसे आम फिरोसा तुगलक सरीगले आसगले आम शहीद दिनेश आम खाली मन रख शहीद दिनेश प्रतिष्ठा किए थे ये एग्जाम बहुत टाइम पड़ी शहीद दिनेश खिजिर खान किए खिजिर खान थी आमर शहीद डायनेस्टी कौन फाउंडर फाउंडर ओके आसा लोदी डायनेस्टी लोदी डायनेस्टी कि फास्ट क्या बहालल लोदी लोदी रखिए फास्ट बहालल 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 लोदी प्रतिष्ठा करते लास्ट रूलर जी थी इब्राहिम लोदी जी पगल गोटे है जहाँ को मारे किए आमर आमर राणा सांघा आर जो निजर मामू हिसाब हे सी ही डाकिले क्या बाबर को डाकिले आसे इब्राहिम लोदी को मारदे आ राणा सांघा भी वेलकम करते तो से मुसलिम हिंदू मान किसी ना कि ये हुए तो मुसलिम मैंने से कथा ही कहते कि तुम तो जी निजे हिंदू जी सी तो डाकि कि बाबर को आसपाई तुम हिंदुस्तान को तुम्हें कौन कौच सी आसते आगे ओके अच्छा देन आसगे आम कौन मुगल एम्पायर आसगला ओके जी आसे बाबर आसे बाबर आसिक कौन कले इब्राहिम लोदी को मारिकी दे मारिकी तो मुंडटा पर टाइम देते कौटी आमर जो दिल्लीर ई ओके राज दरबार कि मुझे आसीगली तो बाबर कौन करते फास्ट मुझे सब वारे ही डिस्कसन कर देखीदि तक फास्ट कौन करते जो वार लड़े थे सी ओके कौन कौन लड़ते फास्ट फास्ट बैटल पानीपत ओके 1526 कौन बैटल अफ कौन कर बैटल अफ खानवा चांदेरी घाघरा खानवा का सहित राणा सांघा सांगे यहाँ के 1527 यहाँ 1528 कौटा चांदेरीटा आ घाघराटा का सहित होता 1528 तुम्हें व्हाट नल देख रही पूरा ये करदे हम जो देखीदेव आ घाघराटा का सहित होता आमर अफगान सांगे होता आ चांदेरीटा क्या सहित होता मेदिनी रॉय सहित होता है मन रख दिखाला बस ये तो डिस्कशन कले हेनी अच्छा ठीक अच्छे हुमायून तापर आसे कि आम बाबर पर आसगले हुमायून हुमायून को कौन बैटल अफ चौसा का सहित होता शेर सांग सहित होता के 1539 जो थी कौन हुमायून दौड़ी पड़े कौटी की अफगानिस्तान ना कौट पड़े रुचिक ना इराक ना इरान कौटे पड़े से पचर आसते हाँ आ गोटे मन रख आम गुलबोदन बेगम जी आम हुमायून सिस्टर सी ही लिखी थे हुमायून नामा किए लिखी थे आम गुलबोदन बेगम ओके जे आसा शेर शाह सूरी जी आम कौन हुमायून को गोड़ेगी कौन होता दिल्लीर राजा होते ओके पद्मावत टाइम ही लिखाई है पद्मावत पद्मावत जो बुकटा अच्छा पद्मावत बुकटा किए लिखी थे मैं रखी थे मालिक जासी मालिक मोहम्मद जासी जायासी के मन रखा है एग्जाम न पढ़ी पार फिर भी मन रखीद इंपोर्टेंट देन शेर शाह सूरी मरी सारापर आसे आम कौन मुगल एम्पायर आसगला मुगल एम्पायर किए आसे आमर अकबर है अकबर आसे जदि बोर लगुवा टी स्पीड कर देखीदेव ओके कारण ये भिडियोटा बहुत आप हेल्पफुल हम जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी ना टोटाली
तो आई थिंक टिके सर्टर कर दिले जो समस्त टिके मन पड़ो ओके अकबर अकबर गल सेकेंड बैटल पानीपत का सहित लड़ी थे हेमू मो पर्सनल फेवरेट राजा जन हेमू हेमू सागर क्या लड़ी थे 1556 फास्ट होता 1526 फास्ट बैटल पानीपत क्या भितर आम बाबर आउ क्या भितर इब्राहिम लोदी है देन आसा हेमू सहित है अकबर कौन है सेकेंड बैटल पानीपत 1556 जो थे कौन आम अकबर जीति थे ओके क्या हेल्प जीति थे मन कि जो थे बैराम खान बैराम खान तर कौन थे सेनापति थे क्या अकबर ओके अच्छा अच्छा सी कौन कौन तैयारी करते इंपोर्टेंट जिनस मन रख अच्छा सी मतलब हल्दीघाटी युद्ध लड़ी थे 1576 में पूरा बढ़िया देख 1500 गोटे कौन 1526 1556 1576 ओके यहाँ कौन फास्ट बैटल पानीपत सेकेंड बैटल पानीपत यहाँ है हल्दीघाटी युद्ध क्या सागर होता हल्दी युद्ध मेवाड़ राजा ओके ओला आमर कौन महाराणा हाँ महाराणा प्रताप 1576 ओके बस आपको ये विशेष डिस्कसन कर बहुत भितर हो सी दीन इलाही ये करते बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिक्री निर्माण करते आसगे आमर किए आसे जहांगीर आसे जहांगीर आसे किए जहांगीर कौन करते कैप्टेन हॉकिन्स टाइम हिं आसते कौटि की कैप्टेन हॉकिन्स और सार थॉमस जहांगीर टाइम हिं आसते खाली शुणीदे स्पीड्रे आउ से कौन मेहरू निशा जो स्त्री से कौन करते नूर जहाँ आउ से गुरु अर्जुन देव मन कत नंबर गुरु से फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव को मारी किए अर्जुन देव को मारी किए जहांगीर मारी ओके फिफ्थ गुरु तेनाली से शाहजहां शाहजहां तो बहुत किसी तैयारी करा कौन तर चाइल्डहुड नेम थी खुरान मन रखदेव खुरान थी चाइल्डहुड नेम देन आसा आम आरंगजेब आसे आरंगजेब है कौन से नाइन्थ गुरु को मारी किए गुरु तेग बहादुर को मारी नाइन्थ गुरु सिख मान तेग बहादुर को मारी जाइए किए आरंगजेब मारी ओके जिंदा पीर कह जाए क्या आरंगजेब को कह जाए है तो कई जिनस मन कर जो फतेहपुर सिक्री ठार निर्माण करते फास्ट किए आम पंचमहल जोटा हम पंचमहल किए करते आम अकबर करते आग्रा पाखे टम नूरजहां करते शाहजहां करते ताजमहल मोती मस्जिद करते आरंगजेब ओके आउ बीबी के मकर करते आरंगजेब यहाँ हिं मन रखे इंपोर्टेंट जिनस छापर आम आसवा डायरेक्ट कौटी आसवा आमर जो मॉडर्न को पलि आसवा ओके आउ आंग्लो ब्रिटिश वार ताको सब तुम देखीदेव ठीक है ओके आसमर जो गवर्नर जनरल आस तुम कही रॉबर्ट क्लाइव फास्ट स्टार्टिंग रॉबर्ट क्लाइव कौन आम द्वैत प्रणाली डुअल सिस्टम क्लाइव करते कौन डुअल सिस्टम करते पर आसते कि हास्टिंग हास्टिंग कौन करते डुअल ईटा को बैन कर देते फास्ट आउ रेगुलेटिंग एक्ट हिसाब से आसा लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल करते कि जो जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन सब परमानेंट सेटलमेंट बंगाल करते आसे ओलेसली ओलेसली क्या टीपू सुल्तान को मारते आंग्लो मराठा वार समय ओके टीपू सुल्तान मारते और कौन सब्सिडरी अलायंस किए करते ओलेसली लॉर्ड विलियम बेंटिंक बेंटिंक बी फॉर बेंटिंक है आम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से कौन करते बी फॉर बेंटिंक मैंने बी फॉर है बैन से बहुत जिनस बैन करते कौन सत्यदाह प्रथा बैन करते आउ जो चाइल्ड मैंने झील पिला इनफेंट चाइल्ड मैंने जन्म है तो मारिदेन बैन करते चाइल्ड सैक्रिफाइस को है समय कौन जो मकाउल रिकमेंडेशन मन रखिए मकाउल रिकमेंडेशन कौन इंग्लिश टाइम कौन होता गोटे मीडियम स्टार्ट होता समय आउ चार्टर आक्ट पास करते गोटे ही नेगेटिव काम करते कौन चार्टर आक्ट मेड इन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ओके आसते आम किए लॉर्ड डेलहाउसी 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 मतलब बहुत किसी डेल मैंने डी फोर देते सी टाइप मन रख कौन कर देते लाइक आम ट्रेन टेलीग्राफ ट्रेनटा फास्ट कौट बम्बे टू थाने ट्रेन आ टेलीग्राफ्टा आम कौटू फास्ट होता मन कोलकाता टू आग्रा कोलकाता टू आग्रा होता कौन आम टेलीग्राफ्टा आउे कौन करते डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से ओके जो कौन सार ह्यूज रोज मारी क्या झांसीराणी लक्ष्मीबाई को ओके कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से है सब कही आगुरी मो भिडर सब बनई बहुत कही तुमको आ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फास्ट वाइस रही कि लॉर्ड कैनिंग है लॉर्ड कैनिंग बस ये किसी कह दरकार नहीं से समय समय ही कौन लॉर्ड कैनिंग समय कौन होता है 1857
ଯେଉଁଟା ଆମର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା କା ସମୟରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଙ୍ଗଙ୍କ ସମୟରେ ଓକେ ଆଉ ସେମିତି ଚାର୍ଲସ ମେଟାକା ଲିବରେଟର ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ ଓକେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆଉ ଲର୍ଡ଼ ଲିଟନ୍ ଲିଟନ୍ ହେଲା କ'ଣ ଭର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ସେଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ ଏଇଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ମନେ ରଖିବ ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍ ସମୟରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍ର ସମୟରେ ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟ ବାସ୍ ସରିଗଲା ଏତିକି ଆଉ ତୁମକୁ ଏଇନେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କିଛି ହଁ ନା ଆଉ କିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହୋଇଥିଲା 1905 ଆଚ୍ଛା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କାହା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ମନେ ଅଛି ତ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ଆଉ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲା ଆମ ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖ ବାସ୍ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ ଜାଲିଆନ ବାଗ ମାସାକର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା କା ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ରାଓଲାଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବା ଆମର ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ 1905 ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ 1906 ହୋଇଥିଲା ଆମର କ'ଣ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଓକେ ଆଉ 1907 ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଆମର ସୁରଟ ସେସନ୍ ଓକେ ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମଡରେଟ୍ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓକେ ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ମାସାକର କେବେ ହୋଇଥିଲା 1919 ଓକେ ଆଉ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପରେ ଆସିଥିଲା ଖିଲାପତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଟା କେତେ ହେଲା 1920 ହୋଇଥିଲା ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଖିଲାପତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚୋରି ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଚୋରି ଚୋରା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଲା 1922 ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖ ତ ସୁରଜ ପାର୍ଟି ହୋଇଥିଲା 1923 ତାପରେ ପରେ ଲାହୋର ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା 1929 ଲାହୋର ସେସନ୍ କିଏ ଆମର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କରିଥିଲେ ଓକେ ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଆମର 1930 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଲାହୋର ସେସନ୍ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ବଣ୍ଟୁ ଟାଇପ୍ର କରିକି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୋଇଥିଲା ବଣ୍ଟୁ ଟାଇପ୍ର କରିକି ମନେ ରଖ BNTU ବଣ୍ଟୁ ମାନେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ତାପରେ ନାରୋଜୀ ତାପରେ ତୟବଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଲ୍ YUULE ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍ ହିଁ ସବୁଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନିଯିବ କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ବାନାର୍ଜୀ କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ କିଏ କରିଥିଲେ ତୟବଜୀ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ କିଏ କରିଥିଲେ ୟୁଲ୍ କରିଥିଲେ ଓକେ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ତ ମନେ ରଖ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣଟା ପାଖାପାଖି ସରିଗଲା ଆଉ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋର ସେସନ୍ ସବୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସବୁ ହେଲା ବାସ୍ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କରିବା ପଲିଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ପଲିଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତୁମେ ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତୁମେ ଓନ୍ଲି ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ ଆମର ସେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି odisha.gov.in ଆକୁ ନିହାତି ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖିକି ଯିବ ନିହାତି ଯେତେ ବି ରିଭର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତା ଟୋପୋଗ୍ରାଫି ଅଛି ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା କାରଣ କେତେ ଲେକ୍ ଫେକ୍ କାରଣ ଦେଖିବ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସେ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ସେଥିରେ ଆସେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଟିକେ ପଲିଟି କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ପଲିଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବଟ୍ କହିଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ କରିଦେବି ଯେଉଁଟା ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା 1976 ଆମର ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଟୋଟାଲ 4 ୱାର୍ଡ଼ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଆଡ଼୍ କରାହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ୟୁନିଟି ଓକେ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ମସିହାରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ସବୁ ଆସିଛି କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ବୋରୋ କରିଛେ ତାକୁ ତୁମେ ତୁମ ମନେ ରଖିଛ ଆଚ୍ଛା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କେଇଟା କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି DPSP ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଓକେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ହେଲା ନା ଭୁଲ କହିଲେ କି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମନେ ରଖ ଖାଲି ଏଇଟା ଅଛି ଆମର DPSPଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ବୋର କରିଛେ ନା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋର କରିଛେ DPSPଟା ହେଉଛି ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ହେଲା USA ପାଖରୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଟା ହେଲା ଆମର କାହା ପାଖରୁ ଆମର USSR ବା ରଷିଆ
ओके आगे सब भिड बनई देखीदेव टे सब मन पड़ जाए ओके बहुत स्मल छोट छोट भिडटे हम बनई आउ फंडामेंटल राइट आम कौटू कौ जाके मन रखिए फंडामेंटल राइट हूँ आम कौन देखीदेव टे मुझे ठीक से मन पड़े ना कि टाइम लगे टे मन पकड़ा ओके अच्छा तो कईटा इंपोर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन करदे लाइक आम जो आम 352 356 360 इमरजेन्सी गुटा सब ओके आम जो तीन टाइम नेशनल इमरजेन्सी अच्छे गोटे 352 356 360 ये कौन फास्ट नेशनल इमरजेन्सी एटा कौन स्टेट इमरजेन्सी आउ 360 हूँ आमर फाइनेंशियल इमरजेन्सी है तो आम नेशनल इमरजेन्सी आउ स्टेट इमरजेन्सी फाइनल इमरजेन्सी आम नेशनल इमरजेन्सी कौन प्राय है दी थर खंडे स्टेट इमरजेन्सी बहुत रोज काश्मीर में फाइनेंस इमरजेन्सी केवे भी है ओके आगे गोटे 61 हूँ कौन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और 72 है कौन पार्डन ये दिखती ओके आ तुम जो फंडामेंटल राइट रो रहा कई आर्टिकल मन रखी दूसरी तुमको इंपोर्टेंट जो कईटा आर्टिकल 14 हूँ कौन इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15 हूँ कौन जो प्रोहिबिशन एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है मैंने कौन जाति वर्ण लिंग निर्विशेष जो कहते समस्त सामान से कौन आम जहाँ डिस्क्रिमिनेशन करवाटा से कौन 15 अच्छी आर्टिकल 16 हूँ कौन समस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ओके समस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ये कौन ये लॉ सामने समस्त सामान गोटे 14 16 समस्त सेम अपॉर्चुनिटी मिले बट ये है इंपोर्टेंट होगा आम जो एग्जाम बहुत आसे 17 हूँ कौन एंड ऑफ अनटचेबिलिटी ये एंड ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 हूँ एब्लिशन ऑफ टाइटल से पड़ोनि देन आसगे आम कौन कह राइट टू फ्रीडम अच्छा कईटा फंडामेंटल फ्रीडम अच्छे मन को 6 फंडामेंटल फ्रीडम अच्छे ओके आउ कई इंपोर्टेंट कथ कह दी जो एग्जाम मे भी कल आसपे आर्टिकल 21A मन रख 21A हूँ कौन आम राइट टू एजुकेशन आर टी एक्ट जो कहते आर टी राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन जो 6 वर्ष रू 14 वर्ष पर्यंत जो सब पिला हम आर्टिकल 21A ओके देन आस कहल राइट एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है आर्टिकल 23-24 किसी मन रखा दरकार नहीं हाँ आर्टिकल 24 मन रख आर्टिकल 24 मन जो कौन जो 14 वर्ष रू कम पे कौन कर किसी कम करें ना नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड 14 वर्ष कम पे आम किसी कम रखिपर ना ओके ये जो एग्जाम पड़ता है मन को आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये चार्टा आर्टिकल हो तो रिलीजन सहित जड़ित ओके जहाँ भी जब सेमती किसी फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर प्रोहिबिशन टैक्सेशन रिलीजियस ग्राउंड 27 कौन टैक्सटा को मैंने रिलीजन क्षेत्र में टैक्सटा को बैन कराई है तुम ठाकुर भगवान देखिए पैसा पैसा मागुच टैक्स सेटा बैन आउ फ्रीडम ऑफ टू अटेंडेंस एट रिलीजियस सेरेमनी इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है देखिए मन को 25, 26, 27 सहित पहला क्वेश्चन में तुम देखिए भाभीपर कि कौन आम रिलीजन सहित जड़ित चार्टा है देन आसला 25, 26, 27 सरीगला देन आसला 29, 30 हूँ कौन आज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है मैंने माइनॉरिटी मानक जो माइनॉरिटी वार्ड थी देखो सीट कौन थी आर्टिकल 29 और 30 मैंने माइनॉरिटी मानक एजुकेशनल फैसिलिटी देवाई ओके आसा आर्टिकल 32 है 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो मन रख कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी REMEDIES कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से आर्टिकल 32 मन को भेरी इंपोर्टेंट 32 बस ये आर्टिकल तुमको कहूँ आ तो बहुत सारा आर्टिकल अच्छी जोटा कि टाइम लगे आज जो हूँ रीड हूँ आम कई रीड टोटाल 5टा रीड गोटे कौन हबेस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टिटरी क्वारंटू तक कहले तो बहुत टाइम जीव ओके अच्छा आम फंडामेंटल ड्यूटीटा आम के नंबर अमेंडमेंट आड होता मन रख 86 कौन फंडामेंटल ड्यूटीटा होता कौन आड होता जो क्या पाखु USSR पाखु आसाला आम बड़ होगी ओके आ टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कई टोटाल हूँ 11टा कतोटा 11टा हूँ आम फंडामेंटल ड्यूटी ओके बस भाव ये हिं डिस्कशन करवा आ तो डिस्कशन कले चली थी राति सारा है कल अल द बेस्ट समस्त देखी देखी जीव
निहाते तुम कौन जो रहा सबमिट जो रहा सबमिटा किए कंडक्ट करता देखी दे कि जाओ ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम जो मैं एग्जाम अच्छी कल बहुत भलसे कर मेन है मैथ रिजनिंग तुम बहुत टाइम आराम से टाइम दे कर और जिक्र जो पूरा कौन हम जो पूरा कन्फर्म थी ताको कर लास्ट समय कौन टाइम बढ़े बहुत इच्छा हुए 10-15 लेखा भूल मारी ही जाए ओके ताको सेमती मारन बुझ पार्छ तो हाँ आउ गए कई जिन कहीदे आम जो इकोनोमी क्वेश्चन आसूसी तो से कहीदे जो प्लांड इकोनोमी ऑफ इंडिया किए फास्ट करते एम विश्वेश्वराय एम विश्वेश्वराय ओके एम विश्वेश्वराय आराम से है नेशनल प्लानिंग कमिशन एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमिटी किए करते जवाहरलाल नेहरू ये एग्जाम आसे तो ये कहीदे आउटा आम गांधीयन प्लान किए करते आम किए एस एन अग्रवाल कौन करते गांधीयन प्लान करते सेमती पीपुल्स प्लान पीपी किए करते एम एन रॉय मुझे जहाँ कह शुण जो हम नोट बनई दिव है मैंने पीपुल्स प्लान गोटे सर्वोच्च प्लान भेरी भेरी इंपोर्टेंट है गोटे नेशनल प्लानिंग कमिशन के जवाहरलाल नेहरू आ गए सर्वोदय प्लान सर्वोदय प्लान किए करते सर्वोदय है किए करते जेपी नारायण ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट बहुत एग्जाम आस जेपी नारायण करते सर्वोदय प्लान ओके और नेशनल प्लानिंग कमिशन है जवाहरलाल नेहरू ओके तो से मन रख आ गए मन रख जो फाइव इयर प्लान होता है फास्ट फाइव इयर प्लान में आम कौन डिसाइड कर आमर वन थर्ड आम जो जीडीपीटा कौन जो खर्च हम एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर वन थर्ड खर्च हम क्या एग्रीकल्चर पर खर्च हम फास्ट प्लान आम फोर्थ प्लान फोर्थ और फिफ्थ फाइव इयर प्लान ने डिसाइड कर गरीबी हटाओ ओके मोस्टली फाइवटा थे कर हेला बस ये कौच एपर्त आम ट्वेल्थ बार नंबर प्लान चलती बोधे ट्वेल्थ प्लान 2012-2017 चलता बस ये आज ये सेसन में थैंक यू फॉर वाचिंग अच्छा हाँ आउ गए देखते गोटे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अच्छी जो रहा जीएसटी जोटा है जीएसटीटा भलसे मन से इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स नुह डायरेक्ट टैक्स अंडर कौन कौन जीव आम रहा इनकम टैक्स ओके जहाँ कौच शुण कौन डायरेक्ट टैक्स अंडर बहुत किसी मो माइंड को ना मन पड़ूनी जितनी मन पड़े कहीदे आम डायरेक्ट टैक्स अंडर कौन कौन आस इनकम टैक्स आसो कॉर्पोरेशन टैक्स आसो ओके आ जो वेल्थ टैक्स जिते जन जहाँ पैसा अच्छे से गुडाक है पेट्रोलियम टैक्स पेट्रोल दौ पेट्रोल किणुचे जो पैसा दे डायरेक्ट टैक्स है आज इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अंडर कौन कौन आस टैक्स अंडर आम जो भैट होगा ना सेल्स टैक्स टैक्स जोटा आ कस्टम ड्यूटी होगा इंश्योरेंस होगा एक्साइज ड्यूटी होगा ओके सी आज जो जीएसटी होगा सर इनडायरेक्ट टैक्स बस से मन कर एग्जाम में भी आसपारे तो आप बहुत हेल्पफुल हम ओके बस आ बहुत किसी अच्छी कहले मन रही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम आ जो मर का एग्जाम अच्छी प्लीज कमेंट सेक्शन में जनइबे कि कौन कौन क्वेश्चन आसते ओके थैंक यू एंड प्लीज जो मूँ भिडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करदे प्लीज ओके थैंक यू।